जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आज पावर पेंट में, माइक्रोसॉफ्ट पावर पेंट में हम कैंडल एनिमेशन कैसे बनाते हैं, ये जो हमने बनाया ये हम आपको पावर पेंट में हम बना कर दिखाएंगे। चलते स्क्रीन की तरफ। यहाँ पे हम इसको ब्लैंक साइड यहाँ से लेंगे, इसको यहाँ से हम डिलीट कर लेंगे। ठीक है, इंसर्ट पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ से सबसे पहले हम डिज़ाइन पे, यहाँ पे डिज़ाइन पे हम ब्लैक कलर लेंगे। यहाँ पे इंसर्ट पे, इंसर्ट में या शेप पे यहाँ पर हमें ये ड्रा कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से हम शेप फिल कर लेंगे। यहाँ से नो आउटलाइन, ठीक है, इसको ऐसे थोड़ा कम कर लेंगे। फिर यहाँ पे कंट्रोल डी कर लेंगे। यहाँ पे इसकी साइज़ हम थोड़ा कम कर लेंगे। यहाँ पे कंट्रोल डी कर लेंगे। यहाँ पे भी इसकी साइज़ थोड़ा ऐसे कम कर देंगे। फिर यहाँ पर इसको ऐसे थोड़ा हम खींचेंगे। फिर यहाँ से हम कंट्रोल डी एक कॉपी बना लेंगे। ठीक है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी से भी हम कॉपी बना सकते हैं। फिर यहाँ पर इसके हम साइज़ यहाँ से कम कर लेंगे। यहाँ से भी हम साइज़ थोड़ा कम कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से और भी कंट्रोल डी। या फिर इसकी साइज यहाँ से हम कम कर देंगे। ठीक है, थोड़ा हम इसे स्क्वायर रुकी के साथ ऐसे। इसके बाद हम जाएंगे यहाँ पर इंसर्ट, यहाँ पे शेप में, यहाँ पे हम ये ड्रा कर लेंगे। या फॉर्मेट में शेप फिल, यहाँ पे हम ग्रेडियंट, या पे मोर ग्रेडियंट, या पे हम फील्ड्स, या पे हम कलर्स। देखो यहाँ पे हम येलो कलर कर देंगे, या पे हम रेड कर देंगे। ऐसे हम ऐसे हम देखते हैं येलो कलर्स ये वाला, या सम दोबारा रेड कलर्स। ठीक है, ये हमारे पास ये हो गया। इसके बाद हम यहाँ पे इसकी साइज़ यहाँ पे हम ऐसे कम कर देंगे। ये हमने साइज़ कम किया है, या इन सब को शिफ्ट के साथ हम ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल जी कर लेंगे, ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, हम इसको ऐसे नीचे कर देंगे। इसको हम ऐसे हम ऐसे रख देंगे। इसकी साइज थोड़ा मामूली साइज है। अब यहाँ पे इंसर्ट शेप फिल, यहाँ पे हम एक और शेप लेंगे ये वाला। ठीक है, फिर यहाँ पर शेप फिल में जाएंगे ऐसे पैटर्न, यहाँ से मोर, यहाँ पे पैटर्न फील्स, यहाँ पे यही कलर हम दे देंगे। यहाँ पे हम रेड दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम येलो कलर देंगे, यहाँ पे हम रेड कलर देंगे। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम सेंड टू बैक, ठीक है, सेंड टू बैक किया। इसको हम ऐसे साइज थोड़ा ऐसे हम कम कर देंगे। ठीक है, सेंड टू बैक किया। अब यहाँ से हम शेप फिल पे ये वाला कलर देंगे, या यहाँ पर इफेक्ट, यहाँ पे हम 25। ठीक है, सॉफ्ट इमेज पे क्लिक, यहाँ पे थोड़ा हम साइज जैसे हम बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम फिर शेप इफेक्ट सॉफ्टवेयर, यहाँ पे हम 10 पॉइंट करते हैं, यहाँ पे 9 हम ये वाला 25 करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास
इसकी वजह से हम ब्राइटनेस फिर भी यहाँ पे हम ये वाला करेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे हम आउटलाइन इसकी नो आउटलाइन, यहाँ पे इसकी भी यहाँ से हम नो आउटलाइन कर लेंगे। अब इसको इसको दोबारा हम यहाँ से हम शेप फिल पे जाते हैं, यहाँ से हम येलो कलर या दोबारा ग्रेडिंग पे जाते हैं, यहाँ से हम से, ठीक है। इसके हम साइज थोड़ा बड़ा करते हैं, इसको से हम सेंटर पे या पे हम सेंड टू बैक फॉर्मेट पे क्लिक कर लेंगे या पे सेंड टू बैक, ठीक है। इसको हम थोड़ा मोबाइल इसके ऊपर, अब एनिमेशन पे जाते हैं या पे हम कोई भी एनिमेशन हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। देखो कोई भी एनिमेशन आप अप्लाई ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम सेलेक्ट करते हैं यहाँ से शिफ्ट के साथ, इसको कंट्रोल जी कर लेंगे ग्रुप, ठीक है। अब यहाँ पे एनिमेशन जो एनिमेशन अच्छा लगे यहाँ पे हम ऐसे हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इस पे भी हम एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सेलेक्ट या से हम कंट्रोल जी कर लेंगे ग्रुप, या से हम कंट्रोल डी कर लेंगे इसको ये पर एक कॉपी, ठीक है। या से हम फॉर्मेट पे या पे शेप फिल, ठीक है, कंट्रोल डी कर लेंगे और कॉपी यहाँ पर हम इसे कंट्रोल डी कर लेंगे या पे काफी आ गए। इसको थोड़ा ऐसे पे कर लेंगे, ठीक है। जिसने भी अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले।